हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। टॉपिक का नाम आपने ऊपर पढ़ लिया होगा, मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे खास बात यह है कि ये जो चीजें हैं ये सारी मिलती जुलती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के साथ। इसके साथ साथ आप कहोगे कि सर बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है या नहीं। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती कि जो इंपॉर्टेंट ना हो पर आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल करती है। ऐसा ही टॉपिक है ये, और बहुत बार पूछा भी जा चुका बोर्ड में, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर में आ भी सकता है। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखते रहिएगा, एस्केप मत कीजिएगा। तो देखिए, और इससे पहले आपके छोटे से चैनल, पहले से चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक शेयर और दबा के कीजिए, कमेंट भी दबा के कीजिए, ठीक है? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल एंड प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, आपको पता था इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा होगा आपने, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है? ये मैंने बात बताई थी, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। अब जब हमने जो इलेक्ट्रिक डायपोल लिखा था वो लिखा था क्यू इंटू में 2L, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, ये भी क्यू ये भी क्यू, बट इनके पास अपोजिट चार्ज था और सेपरेट कर दिए कुछ डिस्टेंस से, तो उसको क्या कहा था? इलेक्ट्रिक डायपोल कहा था। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक डायपोल, और मैग्नेटिक डायपोल तो मैग्नेट का होगा, यानी कि एक बार मैग्नेट ले लेता हूं ऐसी, देखिए ये बार मैग्नेट ले ली, ठीक है? इस जो ये बार मैग्नेट हमने ली है, ये इसका एक पार्ट तो साउथ होगा और दूसरा नॉर्थ होगा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ होता है ना, क्योंकि अगर किसी मैग्नेट को आप अपने घर में लाके फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ठहर जाएगी। इसलिए एक इसका साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? 2L। इनकी साउथ जैसे पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा तो ये नेगेटिव का काम करेगा, ऐसा ही, और 2L दोनों के बीच की डिस्टेंस। यहां पे हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक डायपोल को P से लिखा था, यहां से मैं क्या लिखूंगा, M से लिखूंगा, बड़े M से। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल कहेंगे, ठीक है? इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहां पे चार्ज क्या होता था, इस पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, क्या हुआ, यहां से इनकी पोल स्ट्रेंथ को लिखा जाता है एम से, छोटे एम से, ठीक है? बिल्कुल इससे सिमिलरिटी मिला के मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम। बार मैग्नेट में एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, जैसे कि साउथ पोल इस पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा, नॉर्थ पोल नेगेटिव का काम करेगा। तो जैसे पी इज इक्वल टू में क्यू इंटू 12, तो पी का काम यहां पे एम, जिसको मैग्नेटिक डायपोल, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते थे। चार्ज का काम करेगा ये एम, ये एम, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है? जैसे ये पॉजिटिव था ना, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो नेगेटिव, दोनों छह तो क्यों क्यों, इसलिए ये भी एम ये भी एम, दोनों पोल स्ट्रेंथ है एक दूसरे के अपोजिट। जैसे ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, उसी प्रकार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पर हैं तो इक्वल, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, एम इंटू 2L। ऐसे यहां पे क्या हो इंटू 12, यहां पे एम इंटू 12, और एम क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ होती है। जैसे यहां पे हम चार्ज को क्यू से लिखते हैं, वैसे ही पोल स्ट्रेंथ को एम से लिखते हैं। ये था हमारा मैग्नेटिक डायपोल। तो हम क्या कह सकते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ में पोल्स की बात करें, दो इक्वल होने चाहिए, ये भी इक्वल है, एम और एम है, अपोजिट है एक दूसरे के, इसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है तो इसकी नेगेटिव है, आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, 2L डिस्टेंस से, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डायपोल कहेंगे। प्रत्येक मैग्नेटिक डायपोल के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाइड बाय में लेंथ, तो m into 2l, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे हमने यहां पे बातें लिखनी और कुछ भी नहीं करना। तो चलिए अब आपको समझ आ गया होगा, इसको कहते हैं बार मैग्नेट, ऐसी जो मैग्नेट होती है ना उसको बार मैग्नेट कहते हैं बच्चों, ये बार मैग्नेट। तो चलिए अब इसके बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल लिख लेते हैं, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है? इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे हम, व्हेन टू इक्वल एंड टू इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डायपोल कहेंगे, ठीक है बच्चों?
आया समझ में गाइज? जब दो इक्वल और अपोजिट पोल किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट कर दिए जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। अपने अपनी कॉपी पेन निकाल के रखो, जो भी लिखवा रहा हूं उसको साथ साथ कॉपी करते चलो और समझते चलो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। ये बना दिया डायग्राम, देखिए ये हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसकी ये भी एम है, ये भी एम। क्योंकि देखिए जैसे हमने चार्ज लिया था ना, दोनों की वैल्यू तो क्यू और क्यू थी, बस एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसलिए दोनों एम और एम तो होगा। एक की पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव में, एक की पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव में होगी ऐसे। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कितना ले लें, टू एल ले लें, ठीक है। ये ले लिया, इसको मैं लिख देता हूं पोल स्ट्रेंथ, ये हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए m m इज इक्वल टू में m इंटू टू एल, ठीक है। और m क्या है यहां पे, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल m को मैंने लिखी दिया, पोल स्ट्रेंथ के बराबर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल और एम को मैंने लिख दिया पोल स्ट्रेंथ के बराबर लिख दिया। अब हम क्या कहेंगे, प्रत्येक डायपोल के पास क्या होता है बच्चों, डायपोल मोमेंट होता है। तो मैं लिख दूंगा कि एवरी डायपोल हैव अ डायपोल मोमेंट एंड इज मेजर्ड प्रत्येक डायपोल के पास डायपोल मोमेंट होता, तो एवरी डायपोल हैव ए डायपोल मोमेंट एंड इज मेजर्ड प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय और आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लिख दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन है, 2L, तो एक साउथ और एक नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाइड बाय में उनके बीच की डिस्टेंस, तो यही। तो प्रत्येक डायपोल के पास क्या होता है, डायपोल मूवमेंट, और यही हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जिसको m इंटू 2L से हम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। और मैग्नेटिक डायपोल क्या हुआ, दो इक्वल और अपोजिट पोल्स, यहां पे चार्ज नहीं, पोल्स आर सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। ये साउथ और एक नॉर्थ हो जाएगा, एम और एम दोनों की पोल स्ट्रेंथ बट अपोजिट हो जाएगी, 2L डिस्टेंस, तो एम इज इक्वल टू एम इंटू 2L, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन किस तरफ होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, मतलब साउथ टू नॉर्थ इस तरफ, ये हो जाएगी डायरेक्शन इसकी। अगर आपसे कोई मैग्नेट दे दे और उसकी डायरेक्शन पूछे तो आप बता दीजिएगा कि डायरेक्शन जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, किसकी, मैग्नेटिक डायपोल की। ये सारा जितना भी हम काम कर रहे हैं ये किसके लिए काम कर रहे हैं बच्चों, ये सिर्फ हम काम कर रहे हैं बार मैग्नेट के लिए, एक बार मैग्नेट है, न कि मैग्नेट ऐसी भी हो सकती है, देखिए ये सर्कल है, इसमें से करंट मूव कर रहा है तो इसमें भी मैग्नेट आ सकती है, क्यों, क्योंकि इस यूनिट का पहला ही टॉपिक पढ़ा था उरस्टेड एक्सपेरिमेंट। उरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने बताया था अगर किसी वायर में से करंट मूव कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन देती है, जो बताता है कि यहां पे एक लाइट मैग्नेट है। तो इसी प्रकार अगर इसके अंदर से करंट जाएगा तो यह भी लाइट मैग्नेट, और मैग्नेट होगी तो उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होता है। यह मैग्नेट है तो इसके पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, यह भी मैग्नेट होगी तो इसका होगा। इसके लिए हम अलग से डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, आपसे पूछा जा सकता है, ये काम आता है न्यूमेरिकल्स में क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे आते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये सब सोल्व करना, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। हाँ तो बच्चों साउथ टू नॉर्थ मैंने क्या बता दी, इसकी डायरेक्शन बता दी, तो इतना हो गया होगा, ये बार मैग्नेट है इसके लिए हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो बार मैग्नेट होती है ना, इस बार मैग्नेट के पास ये कंप्लीट कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसका, बार मैग्नेट का, और बार मैग्नेट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आप आयरन की बात कर लो, अगर आयरन को आप मैग्नेट के पास लेके आओगे तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन कोबाल्ट, ये आपको जनरल पता, आपने देखा भी होगा, तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी में लिख देता हूं इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस
मैग्नेटिक सबस्टांस सबस्टांस लाइक आयरन, कोबाल्ट एटसेट्रा, इन सबको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और आपको पता भी है, अगर आप मैग्नेट के पास लोहे को लेके आओगे, आयरन को लेके आओगे, तो वो अट्रैक्ट करता है। ये आपको जनरल बात पहले से ही पता है बच्चों। इसके बाद देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ी अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको। अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक सब्सटेंस, आपको पता होगा, आप जनरली इस बात को समझ लेते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो लड़कियों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां किसका काम कर रही है, लोहे का, और आप किसका काम, लड़के मैग्नेट का, और मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रही है, वो उसको अट्रैक्ट, उल्टा हो रहा है आजकल, लड़कियां भी अट्रैक्ट हो रही, लड़के भी अट्रैक्ट हो रहे। तो वही बात समझा रहा हूं, इट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, इस तरह से। अब बात करते हैं हम सेकंड केस, सेकंड केस की क्या, जैसे कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूं, ऐसे ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कैसे, आजकल के जो लड़के हैं लड़कियां, वो क्या, अगर उनको फ्री छोड़ दे तो कहां पे जाएंगे, पबजी पे, क्योंकि पबजी का बहुत ज्यादा क्रेज, और अब पीछे पागल हैं, तो वो छोड़ते ही, फ्री होते ही कहां जाएंगे, पबजी पे। वैसे ही इसको भी आदत होती है, जैसे हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, एक धागे से बांध के छोड़ देंगे, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएंगे। तो याद रखो पबजी से, क्योंकि फ्री छोड़ते ही पबजी के पास, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है। तो क्या करेंगे, इट सेट्स इटसेल्फ इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंड व्हेन freely suspend suspend in air। अगर मैं इसको एयर में फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो किस डायरेक्शन में ठहरेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करके आपको दिखा देता हूं, ऐसे इसको फ्रीली मैंने सस्पेंड कर दिया, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसको सस्पेंड कर दिया हम, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो हमने क्या कहा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ठहर जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी थी, सबसे पहले प्रॉपर्टी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दे, फ्रीली सस्पेंड कर दे एक धागे से बांध के, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ये सेट हो जाती है, अपने आप को कर लेती है सेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, तीसरी प्रॉपर्टी होगी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि मैग्नेट हमेशा पेयर में, पोल्स हमेशा पेयर्स में रहेंगे, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन पेयर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि मैं साउथ को अलग कर लूं, नॉर्थ को अलग कर लूं, हमेशा पेयर में रहेंगे, अगर साउथ होगा तो नॉर्थ भी होगा, नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको दूंगा कि मैं कैसे बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या कहता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं ना, बिल्कुल सिमिलर पोल, जैसे कि साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। आपको पता है कि ये रहा नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ, आया एक दूसरे को ऐसे फेंक देगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, दूर भाग जाएंगे। अगर होगा एक साउथ एक नॉर्थ, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट सेक्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, आपने सुना होगा, वही काम यहां पे होता है। अगर सेम पोल हुए, साउथ साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बातें आपको पता चल गई, ये फोर्थ पॉइंट था। अब मैं बोलता हूं कि मान लिया जाए, मैं कहता हूं कि एक मैग्नेट ये है, मैंने ये मैग्नेट दे दी आपको, कोई जनरली आपसे पूछ ले, ये मैग्नेट दे दी और एक दूसरी मैग्नेट ये दे दी, ये साउथ और ये नॉर्थ, आप कहोगे कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, कहके सर आप इनके बीच तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है तो अट्रैक्शन होगा। तो मैं पूछता हूं कितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मुझे अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बताओ, ये आपसे क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है आर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आर, तो आप इसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा ये बताइए।
अब आप कहोगे सर आपने हमें पूरा कंसेप्ट तो समझा लिया, हमें फोर्स के बारे में कुछ बताया नहीं कि कैसे हम फोर्स निकाले। तो बच्चों मैं बता चुका हूं, बस आपका ध्यान नहीं है। और वो क्या, देखिए आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि के क्यू वन क्यू टू बाय में आर का स्क्वायर, ये बात पढ़ रखी थी। तो सिमिलरिटी बना दो ना, के क्यू वन का काम कौन करेगा, साउथ की पोल स्ट्रेंथ, क्यू टू का काम नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। यहां पे k की वैल्यू क्या होगी, यहां पे k की वैल्यू होगी म्यू नोट बाय में 4 पाई, जो कि 10 टू रेस पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हो जाएगी म्यू नोट। बच्चों म्यू नोट बताई थी ना स्टार्टिंग में, थर्ड यूनिट में, k की वैल्यू म्यू नोट बाय 4 पाई 10 टू रेस पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये बात बताई थी। तो ये k की वैल्यू होगी। तो यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स इतना होगा, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता कि ये नॉर्थ होता ये साउथ होता, दूसरे को क्या करते, रिपेल करते, कितने फोर्स से रिपेल करते, वो भी इतना ही होता। क्योंकि फोर्स का केवल नेचर पता होना चाहिए हमें कि वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो चेंज होता है, कितने मैग्नीट्यूड है वो कभी चेंज नहीं होता है। जितना फोर्स इसके बीच होगा उतना ही फोर्स जब हम इसको अपोजिट करेंगे तब होगा, यानी कि चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, फोर्स की वैल्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस हमें यह देखना होता है कि वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो फोर्स निकालने का फार्मूला अगर कोई आपसे मैग्नेट में पूछे, थर्ड यूनिट में पूछे, क्योंकि आप फर्स्ट यूनिट में झट से बता देते हो कि दो चार्जेस है k k1 k2 / r स्क्वायर, पर यहां पे आपको पोल स्ट्रेंथ को लेना होगा और k की वैल्यू म्यू नॉट / 4 पाई 10 टू रे पावर माइनस 7। अब फोर्स किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा, किसमें आएगा, न्यूटन में। फोर्स की वैल्यू हमेशा किसमें देते हैं, न्यूटन में देते हैं। एक बात और खास आपको बताता हूं, एक टर्निंग पॉइंट आज तक जो नहीं पकड़ा होगा, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो VS हो, चाहे वो KVPY हो, चाहे कोई ओलंपियाड हो, चाहे BSc एग्रीकल्चर का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे आप जो है IIT का मेन का दे रहे हो, चाहे IIT एडवांस का दे रहे हो, आप कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे इस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। इस फोर्स के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा इसके लिए, इस फोर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी पूरी फिजिक्स में कम से कम 50-100-200 फॉर्मूले ऐसे जो हर बार फोर्स निकलवा लेता, हर यूनिट में फोर्स निकलवा लेता, इसलिए आपको पजल करने के लिए वो फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल 2 या 3 हर बार देता है। नीट में भी आते हैं, एम्स में भी आते हैं, VS में भी आते हैं, AIPVT में भी आते हैं, KYPY में आते हैं, ओलंपियड में आते हैं, नेशनल एंथम में आते हैं, VS में आते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं, और एक फिशरीज का एक नया फॉर्म निकला है उसके अंदर भी आते हैं। हर कंपिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में ले लो आप, UP बोर्ड, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड या पंजाब बोर्ड, कोई भी बोर्ड की बात कर लो, तो वहां पे पूछा जाता है फोर्स, क्योंकि ये जनरल बात है, फोर्स हर जगह आपको फोर्स मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं फोर्स को थोड़ा संभल के इसको अच्छे से डील किया करो, क्योंकि ये आपको नंबर देने वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैंने सीधी सी बात बताई, ये 4 प्रॉपर्टी, 5वीं और पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बता, मैग्नेटिक डायपोल, जब दो इक्वल और अपोजिट पोल सेपरेट कर दिए जाए, प्रत्येक डायपोल के पास डायपोल मोमेंट होता है जो m × 2l के बराबर होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी बार मैग्नेट की, सबसे पहले अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन कोबाल्ट, दूसरी अगर मैं फ्रीली सस्पेंड करूं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है, तीसरी क्या करेंगे कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी कि एक पोल को नहीं कर सकते, अगर जहां साउथ होगा तो 100% नॉर्थ भी होगा। ठीक है, इसके बाद लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उसकी वैल्यू ये बता दी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं 5वीं प्रॉपर्टी, ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं, इसके बाद हम 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी। देखिए 5th प्रॉपर्टी क्या होगी, 5th प्रॉपर्टी क्या करेंगे, मोनोपोल, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist if we try to separate monopole, then it is waste। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे कि मैंने कहा था कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, वही बात है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर हम कोशिश करते हैं कि मोनोपोल को सेपरेट करने की, तो वो क्या है, वेस्ट है। देखिए मान लिया जाए ये पोल होगा, ये साउथ है ये नॉर्थ, तो मैं इसको बीच में से ऐसे कट कर देता हूं, ये कट कर दी, कैची से कट कर दी, तो अब ये ऐसा बन गया दो टुकड़े, अब क्या होगा, ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ, ऐसे बन जाएगी, ये साउथ का काम करेगा, ये नॉर्थ का, ये साउथ का, ये नॉर्थ का, यानी कि इसको कट करने के बाद। आप कहोगे सर हम कैसे मान लें,
आपने बोल दिया हम तो ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे, हमें प्रूफ दो ऐसा क्यों होता, तो मैं देता हूं। मैं क्या करता हूं कि इसको कट करता हूं, इसको कट कर दिया, फिर इसको और कट किया, और कट किया, इनकी इसको कट किया, ये आया, मैं इसको और कट कर दूं, और कट कर दूं, और कट कर दूं, कट करता जाऊं करता जाऊं, लास्ट में इसमें क्या बचेगा, एटम। आपको पता है कि पूरी मैग्नेट किससे मिलके बनी है, एटम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, कोई भी चीज इस यूनिवर्स में किससे मिलके बनी होती है, एटम से मिलके बनी होती है। तो जैसे जैसे मैं इसको और कट कर दूं, और कट कर दूं, लास्ट में क्या बचेगा, एक एटम बचेगा, जिसके सेंटर में कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और चारों ओर कौन घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, जिसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायपोल। ये साउथ का काम कर लेगा, ये किसका काम कर लेगा, नॉर्थ का काम करेगा। क्यों, क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, तो ये साउथ का काम करेगा और ये नॉर्थ का काम करेगा। और फिर से दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, आर, वही तो है साउथ और नॉर्थ, और कुछ डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट कर दिए गए, तब भी ये क्या रहेगा, डायपोल, तब भी इसके पास डायपोल मोमेंट रहेगा। इसका मतलब हम सेपरेट नहीं कर सकते मोनोपोल को, अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बताया, अगर हम मोनोपोल को अलग करने की कोशिश करें, मैं इसको कट कर दूं, फर्दर कट करूं, और कट करूं, और कट करता जाऊं, लास्ट में केवल एक एटम बचेगा कट करने के बाद। उस एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होंगे, सेंटर में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे, मतलब डायपोल होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब उसके पास क्या है, करंट है, और करंट के कारण वो कैसा होगा, मैग्नेट बन जाएगा, उरस्टेड ने बताया था। और मैग्नेट के पास मैग्नेटिक डायपोल होता है, और दोनों को आर डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, तो यहां पर भी क्या होगा, एक ना एक क्या एग्जिस्ट करेगा, जो है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा इसलिए हमने ये स्टेटमेंट बोली थी तीसरी, कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये थी पांच प्रॉपर्टी बार मैग्नेट की, और इसके साथ साथ मैंने बताया कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, ये बात थी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करते हैं। देखिए ये तो हमने कर लिया, आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए कैसा होगा इसका न्यूमेरिकल पोर्शन, बड़े मजेदार मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप करते जाइएगा, बस समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेंगे, इफ ए बार मैग्नेट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स Find out its new magnetic dipole moment, ठीक है, M, बड़ा M की बात कर रहा हूं मैं, magnetic dipole moment। इसने क्या कहा, एक बार मैग्नेट है हमारे पास, कोई भी बार मैग्नेट आप ले लीजिए, मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूं ताकि आपको दो पार्ट में सॉल्यूशन करवा सकूं। देखिए यहां पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले कह ली एक बार मैग्नेट ले ली, ये ले ली, जैसा स्टेटमेंट में बोल रहा है मैं वैसा ही काम कर रहा हूं। ये बार मैग्नेट ले ली, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L है, ये सब, ठीक है। ए बार मैग्नेट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, फाइंड आउट इट्स न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यानी कि हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ली और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो पूछ रहा है कि नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। सबसे पहले नए से पहले हम पुराना तो निकाल लें। देखिए इसका क्या होगा, एम इज इक्वल टू मैं एम इंटू 2L, ये हो जाएगा एम इंटू 2L। एम इसकी पोल स्ट्रेंथ, इसकी है एक लेनी है वो रहा, और इसकी डिस्टेंस 2L है, ये हमें पता ही। अब देखिए बच्चों इसके अंदर गाइज क्या है, दो मेथड है आपको इसके दो पार्ट करने के। पहला मेथड तो मैं इसको बीच में से बिल्कुल कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दो हो जाएगा। दूसरा मेथड में इसको ऐसे कट करूं, उन्होंने नहीं बताया मैं कैसे कट करना है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि टू पार्ट करने हैं, या तो मैं इसको बीच में से ऐसे कट करके दो पार्ट बना दूं, या इसको ऐसे कट करके दो पार्ट बना दूं। तो ये हमारे पास दो मेथड है इसको सोल्व करने के। तो मैं सबसे पहला मेथड लेता हूं, फर्स्ट, देखिए फर्स्ट मेथड, मैं इसका अगर फर्स्ट मेथड लेता हूं, देखिए मैं इसको ऐसे कट कर देता हूं बीच में से, ऐसे ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ये ऐसे मैंने कट का केची का निशान लगा दिया, आपने देखा होगा ऐसे इसको कट कर दिया। जैसे ही मैं इसको ऐसे कट करता हूं, देखिए इसको ऐसे कट कर दिया, तो ये ऐसी बन जाएगी न्यू, ये इसका साउथ पार्ट, ये इसका नॉर्थ पार्ट, दूसरी ये बन जाएगी ऐसे कट करने के बाद, ये बन गई, ये इसका साउथ पार्ट, ये इसका नॉर्थ पार्ट। अब देखिए ये भी डिस्टेंस कितनी है, 2L है,
ये भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, 12 रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी, क्योंकि हम ऐसे कट करते तो डिस्टेंस में चेंज आता, दोनों के बीच लेंथ में चेंज आता, बट ऐसे हमने कट की है तो लेंथ 12 रहेगी, इस लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेगी। यहां पे चेंज किस चीज में आएगा, अब आपको देखने को मिल रहा होगा सर m इज इक्वल टू m इंटू 12, अब 12 तो सेम है, मैग्नेटिक डायपोल भी सेम रहेगा। नहीं बच्चों, आपको देखने को मिल सकता है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a बाय 2 होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a बाय 2 हो गया, इन दोनों का आधा आधा कर दिया तो आधा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, आधा इसका, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हाफ होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी ही पोल स्ट्रेंथ। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये एक थोड़ा सा कंसेप्टुअल है, इसको समझिए। अगर इतना एरिया है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ है एम, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्योंकि 12 तो कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट होने के बाद इसी के ऊपर डिपेंड की, तो एरिया क्या है इसका ए, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ है एम, जितना ज्यादा बड़ा मैग्नेट उतनी ही ज्यादा उसकी पोल स्ट्रेंथ। आप समझ सकते हो, अगर मैं एक बहुत बड़ी मैग्नेट ले लूं तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर मैं एक छोटी मैग्नेट लूं तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा, आपको भी पता है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा पोल स्ट्रेंथ, ये सोचने वाली बात है, और जितना कम एरिया उतनी कम पोल स्ट्रेंथ, मतलब पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ बार मैग्नेट, एरिया ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन, पोल स्ट्रेंथ। इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, आपके काम आएगी कंपिटेटिव एग्जाम और बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इस पे, इस पे सीबीएसई बोर्ड में भी एक नंबर का कंसेप्ट, एक नंबर का कंसेप्चुअल, अंदर से घुस के मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ना, इस क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में ही हिंट मिलेगा, क्वेश्चन में ही आंसर मिलेगा। देखिए, मैग्नेटिक डिवाइड इन टू पार्ट, अब आपको सोचना पड़ेगा कि या तो ऐसे कट करें, ऐसे दो तरीके से कट कर सकते हैं, दो पार्ट होते ही अब आपको सोचना पड़ेगा, देखिए दो पार्ट करते ही यहां से तो 12 सेम है, 12 सेम है, मतलब 12 तो सेम रही, अब डिपेंडेंसी कौन बचा, पोल स्ट्रेंथ, और पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किसके ऊपर, एरिया ऑफ बार मैग्नेट के ऊपर। अब देखिए, मैं इसको आधा कर दिया तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, एम बाय 2, यानी कि इसकी भी m बाय 2 हो जाएगी और इसकी भी m बाय 2 हो जाएगी। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब निकालिए, ये पहला पार्ट है इसका, ये a पार्ट हो जाएगा, ये b पार्ट होगा। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट a पार्ट का कितना, पोल स्ट्रेंथ तो होगी m बाय 2, लिख दी m बाय 2, और इसके साथ कितना होगा 2l, m बाय 2 और डिस्टेंस तो 12 ही रही। अब आपको पता है m डॉट 12 इसकी वैल्यू कितनी m है, तो मैं यहां पे रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा m बाय 2 के बराबर। देखिए m डॉट 12 की वैल्यू तो m है, तो m a m by 2, मतलब जो नई मैग्नेट आई है, जो नई मैग्नेट बनी है, उसकी पोल स्ट्रेंथ पहली से क्या होगी, आधी हो गई, यानी कि जो हमारे पास नई मैग्नेट आई है उसकी पोल स्ट्रेंथ पहले वाली मैग्नेट से आधी हो गई, तो आधी हो गई m by 2। इसी प्रकार b पार्ट के लिए निकालोगे तो m भी m by 2 into 12 और m into 12 की वैल्यू m, तो उसकी भी कितनी होगी, इसकी भी हमारे पास m by 2 होगी, यानी कि न्यू मैग्नेट हैव ए हाफ डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, इससे इस न्यू की आधी हो जाएगी और ये हो गई आधी, दिखा दी मैंने। ऐसे आपको ये सोल्व करना, आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन कैसे, देखिए ये होगी हमारे पास, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 होगी, मैं इसको ऐसे बीच में से कट कर देता हूं, ऐसे ऐसे कट करते ही देखिए मैंने इसको कट कर दिया, टोटल डिस्टेंस 2 थी, ये भी l बची, ये भी l बची, ऐसा ही तो बचा, 12 का l बचेगा, l बचेगा, ऐसे दो पार्ट में कट कर दी, मतलब इसकी जो नई मैग्नेट बनेगी इसकी डिस्टेंस l और इस तरफ वाली बनेगी इसकी डिस्टेंस l। अब पोल स्ट्रेंथ तो m है, क्यों, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो मैग्नेट है, बट यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है दोनों का, ये तो चेंज नहीं की हमने, तो लेंथ चेंज की है, तो हमारे पास m इज इक्वल टू m इनटू 12 होता था, इतना होता था। अब हमारे पास देखिए क्या होगा, अब मैं बता देता हूं, m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ ये रही और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 के बराबर, m इंटू l के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये आ गई। अब आपको देखिए यहां से पता है m बाय में 2 इज इक्वल टू m इंटू l, देखिए 2 नीचे आ गया तो m इंटू l m बाय 2, तो ये लिख देंगे m इंटू l m बाय 2,
तो नई पोल स्ट्रेंथ ये एम न्यू कितनी होगी, एम बाई टू प्रीवियस से हाफ होगी। यहां पे भी हाफ हो रही थी और यहां पे भी हाफ हो रही है, तो दोनों जगह प्रीवियस से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देखिए एम बाई टू आ गया, ठीक है। तो अगर मैं कहने की बात बताऊं तो मैं सिंपली ये बात बोल सकता हूं, अगर मैं किसी मैग्नेट को, किसी बार मैग्नेट को अगर कट कर दूं ऐसे या ऐसे, कैसे कैसे कट कर सकते हैं, कैसे कैसे कट कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इसके पोल स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है एम, जो हम बात कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे कट करो चाहे आप ऐसे कट करो, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा एम बाई टू। अब क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आया, आपने सोल्व कर दिया, कई बार क्या करता है एग्जामिनर अपने अपने आपके दिमाग के साथ खेलता है, क्या कहता है, ए बार मैग्नेट इज डिवाइड इंटू टू पार्ट अलोंग वर्टिकल एक्सिस, टू पार्ट अलोंग वर्टिकल एक्सिस, फाइंड आउट इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, वर्टिकल एक्सिस बता दिया। तो आपको पता होना चाहिए ये एक्सिस वर्टिकल होता है, ऐसा एक्सिस कौन सा होता है वर्टिकल, और ऐसा कौन सा होता है हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल बोले तो ऐसे कट करो, हॉरिजॉन्टल बोले तो ऐसे कट करो, और पोल स्ट्रेंथ तो आधी ही होगी चाहे आप इसको कैसे भी कट कर दीजिए। तो ये आपका क्यों, क्योंकि पहले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा तो वो आधी, दूसरे में लेंथ आधी तो भी पोल स्ट्रेंथ आधी। तो ये था पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन किसके ऊपर लिया हमने, बार मैग्नेट के ऊपर लिया हमने, किसके ऊपर लिया, बार मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया, आपको समझ आ गया होगा, कॉपी पेन रखिए साथ में, उतार लीजिए, आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्या कहेंगे, स्टील रोड, स्टील रोड हैविंग अ लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल है, स्टील रोड हैविंग ए लेंथ एल एंड एक्ट एज ए मैग्नेट, एक्ट एज ए मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मूमेंट एम इज इक्वल टू एम इन टू एल, इफ इट बेंट इन फॉर्म ऑफ, इफ इट बेंट इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल देन फाइंड आउट एम, देन फाइंड आउट एम, ये फाइंड आउट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ना आपका काम है, सबसे पहली बात क्वेश्चन पढ़ो, हो सके, पॉसिबल हो, आपसे बन सके तो डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि दो ही फिजिक्स के मूल मंत्र है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना क्या पूछ रहा है, हिंट मिलेगा, और दूसरा आपको उसके अंदर से डायग्राम को निकालना, ये तो आप बनाने में सक्सेसफुल होगे तो आपका न्यूमेरिकल तभी आपको आंसर खुद बोल देगा कि आंसर दे रहा हूं मैं। तो क्या कह रहा है, स्टील रोड हैविंग ए लेंथ एल, हम बना लेते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो कर लीजिए, मैंने क्या कहा, एक स्टील रोड, तो एक स्टील रोड बना लीजिए, ये रही स्टील रोड, ठीक है, ये स्टील रोड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है एल, ये दे बोल रहा एल, हैविंग ए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम, और इसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी है एम इंटू एल, सब बातें बोल रहा, मैग्नेट हैविंग ए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम इज इक्वल टू एम इंटू टू एल। अब क्या कहता है, इफ इट बेंड इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, अगर इसको सेमी सर्कल के रूप में बेंड कर दिया, अब मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, मतलब क्या हुआ, इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया सेमी सर्कल, ऐसा ऐसा सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, ये होगा, इस सेमी सर्कल की भी लेंथ एल है, क्योंकि पूरे की लेंथ एल, तो एल लेंथ का ही सेमी सर्कल बनेगा, तो ये बना दिया। अब इसका एम हमें निकालना है, इसका एम हमें निकालना, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब समस्या की जड़ कहां पे है, देखिए एम इज इक्वल टू मैं एम इंटू टू एल, ये लेते थे, मतलब पोल स्ट्रेंथ गुणा में डिस्टेंस, अगर मैं इसको और ऐसे लिखूं तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय में डिस्टेंस, हम पोल स्ट्रेंथ तो मान लेते हैं कि मान लिया एम है, पोल स्ट्रेंथ तो हमने ले ली, एम हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ का तो कोई चक्कर नहीं। अब बात करते हैं डिस्टेंस, अब सबसे पहले यहां पे तो सीधी रोड थी, हमें पता चल गया एल डिस्टेंस है, पर यहां पे डिस्टेंस कैसे लें, यहां पे ये डिस्टेंस थोड़ी ना ले सकते, यहां पे कैसे लेंगे डिस्टेंस, समस्या की जड़ यहां पे है, यहां पे न्यूमेरिकल का जो मेन जो पूछना चाहता है वो पूछना चाहता है कि डिस्टेंस कितनी लें, क्योंकि आपको पता है पोल स्ट्रेंथ का फार्मूला बिल्कुल ईजी है, पोल स्ट्रेंथ गुणा में डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल, ये एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए उसने आपको यहां पे आके फंसा दिया, और कैसे फंसाया देखिए,
अब आपको यहां पे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल है ये, तो सेमी सर्कल इज इक्वल टू माई एल और किसके बराबर, पाई इंटू आर। अब आपको पता है पूरा सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, टू पाई आर। अगर ये सेमी होता तो डिवाइड बाय टू पाई आर बचता, यानी कि हमारे पास क्या होगी, पाई इंटू आर, मतलब एल की वैल्यू कितनी होगी, पाई इंटू आर। अब ये काम कर रहा है कौन, साउथ का, ये काम कर रहा है नॉर्थ का, यही तो एंड था इसका, एक ये साउथ और एक ये नॉर्थ, इसको उठा के हम साउथ को इस तरफ ले आए, नॉर्थ को इस तरफ। अब अगर हमें क्या करना है, हम हमेशा साउथ और नॉर्थ दोनों के बीच की डिस्टेंस को कंसीडर करते थे, तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कौन है, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल की ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर, मतलब मैं आर प्लस आर कर दूं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। मैं बात समझा रहा हूं, ये साउथ ये नॉर्थ, इसको इस तरफ उठा दिया, इसको इस तरफ उठा दिया, सेमी सर्कल बन गया। अब सेमी सर्कल बनने के बाद हम क्या करते थे, मैग्नेटिक डायपोल पोल स्ट्रेंथ गुणा में डिस्टेंस, और हमेशा डिस्टेंस लेते थे इन दोनों के बीच की, मतलब ये लेनी है, ये लेनी है, तो मतलब आपको पता है कि ये तो सर्कल का हाफ है, ये भी सर्कल का हाफ है, मतलब आर इंटू आर टू आर, 2R हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने तो हमें R चाहिए, और R को हम क्या कर देंगे, डबल, 2R करना है तो डबल, तो L इज इक्वल टू में पाई आर, सेमी सर्कल के लिए बात करें, और R निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, L बाय पाई, इतना। अब बात करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 2 इंटू आर के बराबर, मतलब 2L बाय में पाई, 2 इंटू आर मतलब 2L बाई पाई। अब हमने क्या निकालना है, m निकालना है, तो m निकालने के लिए क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ गुणा में डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ m है और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L बाई में पाई के बराबर। अब इससे पहले यह कि m इंटू में 2L बाई पाई, अगर मैं ऐसे करूं, इस 2 को आगे ले लूं, m को यहां ने दूं, L बाई में पाई, क्या किया, समझ आ गया ना, समझ आ गया होगा, ये 2 को आगे ले लिया, m इन टू एल बाय में पाई, ये रहा, ठीक है। अब आपको पहले से ही पता, देखिए m इंटू एल किसके बराबर है, m के बराबर है, ये पहले गिवन है, ये बोल रखा है, तो इस m इंटू एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू एल की जगह 2m इंटू एल बाय पाई, ये न्यू है भाई, इसको डैश लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, हमने नई पोल स्ट्रेंथ निकालनी है, डैश, ठीक है, ये डैश निकाल लिया, तो m डैश इज इक्वल टू में 2m बाय पाई, ये आ जाएगा, क्या किया, m इंटू 2l बाय पाई, 2 को बाहर निकाल लिया, m इंटू l बाय पाई, m इंटू l की वैल्यू कौन है, m, तो m इंटू l की जगह कौन रख दिया, m, तो 2m बाय पाई, तो नई जो मैग्नेटिक मोमेंट सेमी सर्कल का पूछा है वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 2m बाय में पाई, यानी कि पहले वाले का 2 बाय पाई टाइम्स हो जाएगा, अगर इसको मोर एक्यूरेट लिखूं तो 2 बाय पाई टाइम्स ऑफ प्रीवियस, इतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हम किसी स्टील की रोड को सेमी सर्कल में बदल देते हैं तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चेंज हो जाता है, कितना इंक्रीज हो जाता है, 2 बाय पाई टाइम्स एम के बराबर, तो यह हो जाएगा नया। तो यह था स्टील रोड का केस, जब किसी स्टील रोड को हम कैसे बना दें, सेमी सर्कल में बना दें, जैसे ही सेमी सर्कल में बनाएंगे तो उसके पास जो नया मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो यह था सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके बड़े काम के क्वेश्चन है, काम करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं, 2 मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट। और अरेंजमेंट क्या दे रखी है, अरेंजमेंट ऐसी दे रखी है, देखिए आपको दिखा देता हूं मैं कैसी है, ये अरेंजमेंट दे रखी इन्होंने ऐसी, ठीक है, डायपोल मोमेंट, टू मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट
एम वन एंड एम टू, ये भूल गया था, एम वन एंड एम टू आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। दो डाइपोल मोमेंट जिसका एक का क्या दे रखा है इन्होंने, एम वन, थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूं मैं इसको, देखिए ऐसे है एक, ये ऐसे हो गया, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट कौन है, एम वन है, और दूसरा हमने ये ले लिया और जिसका डाइपोल मोमेंट कौन है, एम टू है, ऐसे, ठीक है। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल, ऐसे, ठीक है। ये पूरा सिस्टम दे रखा है और इस सिस्टम का हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, यानी कि एक मैग्नेट ऐसे और उसके ऊपर दूसरी ऐसे रखी हुई है, यानी कि टोटल सिस्टम को कैसे बनाया हुआ, एक मैग्नेट ऐसे और उसके ऊपर दूसरी ऐसे, ऐसे बिल्कुल, या आप कह सकते हो कि ऐसे रखी हुई है दो मैग्नेट, इस तरफ और इस तरफ, ऐसे। अब इन दोनों मैग्नेट का हमें क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं अच्छी सी, जो मैं भूल गया था, अब यहां पे काम आ गई, क्वेश्चन कर रहे हैं तो आ गई, कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, पहले ही बताई थी कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ टू नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगी तो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हमें इसका क्या निकालना है, टोटल डाइपोल मोमेंट। तो देखिए टोटल डाइपोल मोमेंट, इससे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना है, टोटल, अब कोई वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, देखिए टू डाइपोल मोमेंट m1 एंड m2 दे दिए, आर शोन इन द फिगर, ठीक है, फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, ऐसा सिस्टम दे दिया, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट के पास डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, और दो अलग अलग दे दिए m1 और m2, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। मतलब अगर हम दो को निकालना है, दो का सम निकालना है, तो किसके द्वारा यूज होगा, वेक्टर एडिशन का फॉलो करेंगे, किसका फॉलो करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या कोई भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें m1 और m2 दोनों की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि साउथ से नॉर्थ होती है, ये बात पहले ही बता चुके, साउथ से नॉर्थ, ये बात बताई थी, साउथ से नॉर्थ ये रही, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, m1 की, ये किसकी डायरेक्शन होगी, m2 की, m1 की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, m2 की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, जिसको हम क्या कह देंगे, m, देखिए ये 90 डिग्री, ये रिजल्टेंट है। टोटल सिचुएशन कैसी बनी, टोटल सिचुएशन ऐसी बनी, ये रहा जो कौन है m2, ये रहा जो कौन है m1, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, m होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इतना होगा। अब आपको सिंपल सा पता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, बाय वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन के द्वारा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू में m1 स्क्वायर प्लस में m2 स्क्वायर प्लस में 2m1 m2 cos थीटा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो m इज इक्वल टू में कितना, m1 स्क्वायर प्लस में m2 स्क्वायर प्लस में कितना 2m1 m2 cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो m कितना आया, m1 स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट, ये आ गया, ठीक है। तो m1 m2 इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक डायपोल आ जाएगा। क्या किया, कुछ नहीं किया, इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों का रिजल्टेंट और दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री, रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर 2m1 m2 cos थीटा, थीटा 90, 0, तो m1 स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखिए ये इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां पे ऐसे कर लेता हूं। देखिए ऐसा हो सकता है कि ये जो m1 है ये किसके बराबर हो जाए, m2, यानी कि जो m1 है और m2 है दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, इक्वल है, m1 m2 के बराबर इक्वल है, ठीक है। तो ये तो नया डाइपोल है, इसको डैश लगा देता हूं, डैश लगा देता हूं, ठीक है। ये m1 और m2 इक्वल है किसके, m के, यानी कि पहले और दूसरे का इक्वल है किसके बराबर, m के, और हमने नया निकाल लिया m डैश। तो देखिए क्या होगा, m डैश इज इक्वल टू में m1 स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर, यही तो आया था, इज इक्वल टू में कैसे, m1 और m2 की वैल्यू कितनी, m, तो m स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, ठीक है। तो m डैश m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर रूट, अब रूट तो बाहर 2 और m बाहर, m स्क्वायर का m बाहर और रूट अंदर रहेगा, मतलब m डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 2m के बराबर।
अगर ये M1 और M2 दोनों की वैल्यू इक्वल हो और किसके बराबर हो, M के बराबर, तो जो नया डाइपोल मोमेंट आएगा वो √2m आएगा, यानी कि इन दोनों का √2 times आ जाएगा। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने 3 कराए, कंसेप्ट कराया मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कराई। अगर आपको अच्छे से पसंद आ रही वीडियो, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्यूट सा छोटा सा प्यारा सा चैनल MS पथेरिया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी YouTube चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की वीडियोज भी मिलेंगी और वो भी आप देखिए बड़े इजी मेथड के साथ। एक बात और, मैंने आपको एक ही काम बताया पहले भी, और वो काम ये बताया है कि आप प्रत्येक जो मैं टॉपिक करा रहा हूं उसको करने के बाद एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप फिर लॉन्ग लाइफ उसको भूलोगे नहीं। और मुझे लगता है कि ये इजी, इससे इजी मेथड फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा।